हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनके ढेर सारे गाने हैं, लेकिन इनको देखते ही मेरे दिमाग में एक ही गाना बजता है, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्योंकि इनका जादू अभी भी सब तक चढ़कर बोलता है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर संजय कपूर जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये गाना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। तो आई रिमेम्बर ये फिल्म राजा मैंने 5-6 बार देखी थी and I loved your performance and your dance especially. और हाल ही में जब मिशन मंगल में वो moment देखा, जब आप दोबारा वो recreate करते हैं, that was really beautiful. Yeah, मतलब that was बिल्कुल, और मतलब के आपने वो topic निकाली है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि I'm the only actor जिसने अपना cover version खुद किया है. Normally अगर कोई hit गाना होता है, जैसे कि मेरा ही दिलबर गाना था तो वो मेरा और सुष्मिता का गाना था, नोरा फतेह ने किया, या तम्मा तम्मा संजय दत्त और माधुरी का था, वो वरुण ने किया. आई एम द ओनली एक्टर हु हैज डन हिज ओन सॉन्ग अगेन. सो या, सो इट फील्स गुड. दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन मिशन मंगल एंड पीपल रियली रियली रिएक्टेड वेरी वेरी पॉजिटिवली टू माय कैरेक्टर एज वेल एज दैट मोमेंट इन द फिल्म. अब ये जो हम आपने एक लंबा सफर तय किया है, तो अभी आजकल जो डिजिटल एज आ गया है तो वेब सीरीज बहुत एजी हैं, कलाकारों को अलग अलग, यू नो देयर इज नो हीरो हीरोइन, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, द ग्रे कैरेक्टर. सो आई थिंक एक ब्यूटीफुल फेस है सबके लिए, बिकॉज़ देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी एंड दिस. यस, एब्सोल्युटली, फॉर एक्टर्स, फॉर टेक्नीशियंस टुडे, यू नो द राइटर कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, कुछ भी सोच सकता है. पहले ये होता था कि यार ये फिल्म में ये, फिर वो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये बिहार में चलेगी या साउथ में चलेगी या पंजाब में कैसे होगा. तो दिस इज समथिंग, दिस मीडियम इज सच दैट के यू कैन प्लान एनीथिंग, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, एंड इफ इट्स इंटरेस्टिंग, इफ इट्स गुड, लाइक द वेरी फैक्ट दैट कि आज हम इस वक्त में आपके सामने हूँ, मेरा आज शो रिलीज हुआ है द गॉन गेम ऑन वूट प्लेटफॉर्म. तो ये जो हमने शो किया है, ये हमने लॉकडाउन में शूट किया है. मैं आज तक किसी एक्टर को, मैंने अपनी जिंदगी में वो सारे एक्टर नहीं मिला हूँ मैं अभी तक, मतलब शूटिंग में तो नहीं मिला हूँ, बट अदरवाइज ऑल्सो आई हैव नेवर मेट एनी एक्टर. आई हैव येट टू मीट द डायरेक्टर, आई हैव नॉट मेट द प्रोड्यूसर, आई हैव नॉट मेट एनीबडी फ्रॉम द वू टीम. टुडे वी आर प्रमोटिंग दिस एंड आई एम मीटिंग यू अगेन ऑन जूम. सो दिस शो वॉज एब्सोल्युटली यूनिक एंड इंटरेस्टिंग द वे, जैसे कि मैंने कहा हम मिले नहीं एक दूसरे को, बट फिर भी हमने एक ऐसा शो बनाया है कि सिर्फ वो कोरोना के बारे में नहीं है, इट वाज शॉक्ड लॉकडाउन, बट इट इज अ थ्रिलर. तो आज आप कुछ भी सोच सकते हो और कर सकते हो, एंड द वे द रिस्पॉन्स इज कमिंग, द वे द ऑडियंस इज रिएक्टिंग, द लिटिल व्होएवर हैज सीन इट, द ऑल एक्टर्स आर गेटिंग मैसेजेस, और द यू नो पीपल हु हैव फ्रॉम द क्रिटिक डिपार्टमेंट, द रिव्यूज आर वेरी गुड. So it's a very very positive thing for Gone Game and for the digital platform on its own. आप खुद personally कितनी web series देखते हैं और आप कितने digital सावी हैं, या बच्चे आपको बताते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं. I am very very digital सावी. It's not because of lockdown. Even before lockdown, इसलिए लोग मुझसे जब पूछते थे कि आप कुछ, you know, how is the lockdown treating you, aapne kya kiya and everything, so were you very frustrated and desperate? I say, see, I understood the situation. It was for hum sabki bhalai ke liye tha ki hum ghar pe hain. To us waqt obviously whatever I could do at home, I continued with my workout and spent quality time with my family. Plus I am a person who watches a lot of web shows, so jo show chhoot bhi gaye the wo bhi maine dekhe. और इस दौरान काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए शोज आए, यू नो, चाहे वो हिंदी में थे या इंग्लिश में थे या स्पेनिश में थे, विच आई वॉच्ड, एंड वक्त निकला निकलता गया और फिर मुझे ये शो मिला अप्रैल में. व्हेन वी स्टार्टेड, द फर्स्ट सीड वाज बोर्न ऑफ दिस शो, बट दैट वाज इन अप्रैल. और फिर फॉर्चुनेटली फॉर मी, मैंने लॉकडाउन में ये हमने शूटिंग की तो हम इस पे बिजी हो गए, तो माय टाइम जस्ट वेंट ऑन, एंड टुडे यू नो आई 25 इयर्स बैक 3 फिल्म्स ऑफ माइन हैव रिलीज. आज 25 साल हो गए. प्रेम को मई में लगी थी, राजा लगी थी जून में, और कर्तव्य लगी थी जुलाई में. तो मेरी तीन फिल्मों को आज 25 साल हो गए. मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, रिलीज पे, नॉट व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग.
That was even 2-3 years before. And this experience is going to be, if you see my journey, I would say this experience and is right up there, because I never thought ke a day will come in my life ki main cameraman bhi khud hunga, director will tell me on Zoom, aur cameraman bolega lighting thoda wo light chalu kar, wo light band kar, ye furniture idhar hata de, aur we need a drink in the scene, so please get this. Wo, so everything which was to be needed in that frame, me as the actor was doing it. Yeah. So it was a very, very different experience. And but at the end of the day, audience, when they see the show, sirf yehi unko nahi USP ke wajah se log nahi dekhenge. The show also has to be interesting. Yes, we have taken this challenge and everything, but eventually the show has to be interesting. And yesterday I binge watched the show, and I can very proudly say the way we all have put in, and the way the technical team has worked, the director has worked very hard, the way it's been edited, the way they have music dala hua hai, it doesn't feel that we have shot this in lockdown. So I'm very proud to be associated with the Gone Game. Now. The Gone Game is a very interesting concept. लेकिन साथ साथ आजकल डिजिटल वर्ल्ड में एक और एक एक खास बात मैंने ये देखी है कि कुछ फिल्में जो उस वक्त ना चली हूँ आज डिजिटली बहुत देखी जा रही है. तो मे बी योर फिल्म लाइक कर्तव्य जो उस वक्त शायद बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन आज उनको लोग देख रहे हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये फिल्में अवेलेबल है. तो वो भी एक एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है कि वो फिल्में जो अपने जमाने में ना चली हूँ. डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है, सी आई एम नॉट सेइंग कि एवरी फिल्म दैट आई वर्क्ड इन वर फैंटास्टिक फिल्म्स, बट हर पिक्चर की एक गलती होती है, एक डेस्टिनी होती है हर फिल्म की. कभी कभी आपकी फिल्म ऐसे वक्त लगती है कि उस वक्त शायद और दो पिक्चर आपके साथ लगी, वो शायद इतनी बड़ी हिट हुई है, और उस जमाने में देट वॉज नॉट सो मेनी थिएटर्स, सॉफ्टवेयर वॉज नॉट सो मच, देवर नॉट मल्टीप्लेक्सेज एंड एवरीथिंग. तो वही चुने किने 400-500 थिएटर होते थे. मुझे याद है बिकॉज माई फादर इज इन दिस इंडस्ट्री, जब और जब मेरे भी 25 साल पहले शुरू हुआ, जब हमें मुंबई में गेटी सिनेमा मिलता था या चित्रा मिलता था कि मेन थिएटर कौन सा है, ऑल दीज थिंग्स मेड सो मच ऑफ अ डिफरेंस. एंड टू अंडरलाइन दैट थिंग, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं एक फिल्म विच इज द बिगेस्ट आइकॉनिक एंड बिगेस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ इंडिया इज शोले, और शोले 5 साल मिनर्वा में चली, उसके बाद मैटनी में आई, एंड देन दे वॉन्टेड टू शिफ्ट इट टू मराठा मंदिर इन रेगुलर शो. द मिनट दे शिफ्टेड द फिल्म टू मराठा मंदिर, it suddenly didn't have that collections, they shifted it back because shaan lag rahi thi, aur unhone phir wo minerva mein shift ki, and again the audience started coming. So there are cinemas which have a kind of a own clientele also. And us waqt waise theater hote the, kam theater the, jaipur mein ek raj mandir theater hota tha, log bolte the agar aapko raj mandir mil jaye to bas aapki picture to 15 hafte wahi chal jayegi. तो वो एक अलग जमाना था. आज तो आपकी फिल्म के एक 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 पीवीआर में जब लगती है तो 16-16, 18-18 शो होते हैं. 3 दिन में आप सडनली आप बॉक्स ऑफिस के महाराज हो जाते हैं, और 2 हफ्ते में पिक्चर उतर जाती है. जब पिक्चरें 25-25 हफ्ते चलती थी. जी, अब तो वो भी नहीं, अब तो डिजिटली रिलीज हो रही है. व्हाट यू टू से अबाउट दिस? बट दिस इज अ फेज, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली दिस पेंडेमिक इज ऑन. And you know, you have to understand, everybody has to understand ke ye hum sabka passion hai, but bahut logon ka kaam hai isme, bahut logon ke paise lage hue hain, and this is such a indefinite thing. You cannot keep on waiting, otherwise the picture will become stale. Aaj 5 mahine ho gaye, so I really can't, you know, you cannot blame anybody ke it is coming in digital, but wo jo cinema ka apna jo maza hai wo hamesha rahega. Like today myself, I'm just waiting for a theater to open up, watch a film on big screen, apne popcorn ke sath baithu, because that is a process. You are getting ready, you are going to a theater, you are sitting. It's just not the 2 hours, it's a process of 5-6 hours. So that will always be there once everything is back to normal, and I'm very, very optimistic that it will very soon. Hopefully the theaters are open and we are back to watching these big films on theaters, and we have digital, these web shows, so we'll have the best of both the world.
आज अब आपके 25 साल पूरे हुए, तो एक चीज मैंने आपने हमेशा देखी है संजय, आपने बहुत पेशेंस रहा है, प्रेम डिले हुई थी लेकिन आपने धैर्य रखा फिल्में की, लेकिन आजकल की जनरेशन में मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस की कमी है, लोग बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, एक फिल्म ही चलती उसके बाद, तो कहीं ना कहीं आप इतने साल टिके रहे हैं, हाईज एंड लोज देखे हैं आपने, कितना इम्पोर्टेंट होता है खुद का सेल्फ एस्टीम, जो आजकल बातें हो रही हैं मेंटल हेल्थ की, कैसे इस इंडस्ट्री में जहां इतना प्रेशर होता है, आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, तो कैसे आजकल की यूथ कैसे सैनिटी बना के रखें कि ये हाईज एंड लोज जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, वी कांट डिनाय इट, उसमें कैसे अपने आप को यू नो टू कीप योरसेल्फ सेन एंड आप जब एक एक्टर होते हो तो आपका हाई सब जानते हैं, अगर मैं हिट पिक्चर देखता हूँ तो मेरी बिल्डिंग में हर आदमी जानता है कि संजय जी की पिक्चर हिट हुई थी, और अगर मेरी पिक्चर फ्लॉप होती है तो हर आदमी को पता चलता है कि इसकी पिक्चर फ्लॉप हुई थी, बट उनका जो बिजनेस है वो अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है मुझे नहीं पता, सो दे आर नॉट फेसिंग दिस with the others, they are going through this pressure themselves. So as an actor, this is a pressure which you go through. But I think so when you enter this industry, har cheez ki aadmi before you enter, because nobody has forced anybody. You have to understand ki this pressure is there. You have to be ready for it. They will put you on a platform, especially today with this social media and everything. You don't even have a release and they make you into a star. So it's like a soda water. You go up that fast, and if you're not good enough, you will come down that fast. Yeah? So you have to have that thing in you, that drive in you. It's not that I have not gone through it. I have gone through it, a lot of ups and downs, and I fought it. And that's the reason after 25 years, I'm still surviving. I have seen my glasses half full. I have gone through a lot of times when I have been compared with my brother, where people have asked me things like, how do you feel? Anil has done so well and everything. I said, we all have our journeys. Every person's journey is a different journey. I'm happy that he has done so well, but I will not complain that I have not done well, because if I had not done well, I wouldn't have lasted for 25 years. But just because he is probably doing better than me doesn't mean that I have to feel bad. I have to enjoy my moment. I have to see that how many others are there. My father taught me a very good thing. He says कि अगर आप 100 लोगों की बात करते हैं, सिर्फ हमेशा वो 5 लोगों को मत देखो जो आपके आगे हैं, वो 94 को भी देखो जो तुम्हारे पीछे हैं, वो तुमसे शायद ज्यादा टैलेंटेड हो और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और आप यू शुड फील बैड द पीपल हु आर 5 पीपल हु आर अहेड ऑफ यू, यार मुझे उनसे ज्यादा काम अच्छा आता, ये तो साले किस्मत वाले हो गए, इसको ये ब्रेक मिला मुझे नहीं मिला, बट हैव यू एवर थॉट कि ये जो आपके पीछे है, maybe they are more talented than you, at least you have got so much upon opportunity, so enjoy that, work on that and be positive and do your work. If you are good, nobody can stop you. And I didn't shoot, I didn't face a camera for 4 years, but I didn't do a wrong film. I didn't want to do a wrong film. When I say a wrong film, it doesn't mean that because I was not getting the main role. I did Luck by Chance, I did Shandar, but I didn't want to do any riff-raff film ke main bas aisa koi bhi role, achhe paise mil rahe hain, main kuch bhi kar lu. I waited, I produced a film, I got busy as a producer because I love this industry and this is all I know. So I produced my film and everything, and then I got an opportunity, love stories happened. Dibakar Banerjee from nowhere came in my life like a messiah and changed everything for me. And today, by the grace of God, I am very sought after in the digital world. I am doing movies like Mission Mangal as well. So things have changed for me, but because I didn't give up. So you don't give up and you keep on. This is the only thing I can say, to be positive. Ups and downs will happen. Don't envy people who are doing better than you, and don't be too proud of the people that you are doing better off. आप अपना काम करो एंड जस्ट डू दैट एंड थिंग्स विल हैपन. यस, एक और अभी मोमेंट ऑफ प्राइड है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी सब लोग आ गए हैं. जानवी ने अभी शानदार परफॉर्मेंस दी, आपकी विधि शनाया भी उस फिल्म का हिस्सा थी जो काफी पसंद की गई, तो नई जनरेशन को आप देख रहे हैं सारे बच्चे कपूर फैमिली के. व्हाट काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग डू यू गेट लुकिंग एट ऑल ऑफ देम? इट्स वेरी गुड. सी, when my father came in this industry, partition ke waqt wo aaye the Peshawar se yahan pe,
He started off as a very, very struggler. He was an assistant director to Mughal-e Azam. In Mughal-e Azam, he was, and Mughal-e Azam ko 10 saal lage. But so we've all learned, all our brothers have learned from our father. He saw even more ups and downs than us. He didn't really see big success, but he was always smiling. He was always positive. And that's what we are teaching our children also, to be very positive in everything. If you're positive, like I said earlier, things will happen. And work hard, like Shanaya, like you said, she was a, I want her to become an assistant director. क्योंकि आप हर चीज को फिर वैल्यू करते हो. जब शनाया गई थी, एक छोटे सा मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, कि when she went to Lucknow for the shoot and everything, and when she reached there, she knew Janvi was there and everything. I said, how's it going? She said, yeah, but you know, Janvi अलग होटल में, मैं अलग होटल में हूँ. जब वो गाड़ी में थी, I'm not going with her. I said, yes, because she's the star of the film. You're an assistant. You will be staying where the assistants are staying. So she understood that. Then she was sharing, three people were sharing one room. She had to get up at 4:30 in the morning when the shoot was at 7 o'clock. So she understood that kind of a thing. She understood when the spot boy was giving her Heineken and giving her a mineral water. So she appreciated those small, small things. And the best thing was that the director was so happy with her hard work that when the schedule got over, he said that Shanaya is so, so hardworking. Anything before we could tell her, she was doing it. Yeah. So obviously, this is all... Finally, she has to do. I cannot hold her finger. We can only tell our children, okay, what is the way. That's what my father also said. That's what even whether it's Boni, Anil, or me, we tell our children to be positive and work hard and respect every profession. And rest is then leave it up to God. Yeah, it's quite inspiring. I think hum industry ko aap se seekhna chahiye. Such a nice conversation. All the best for your new projects and all thank the upcoming so ones. Thank you. Really thank you so much. Pleasure always. Thank you. Thank you so much. Right. Pleasure thank talking you. Same to here. You. Thank you. Same here. Goodbye. Bye.